विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आप कहेंगे किसको मेजर कर सकते हैं, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो लेट्स से एग्जांपल्स आर यू कैन से लेंथ मास टाइम, ये सब मेजर कर सकते हैं कि नहीं आप, लेंथ मास टाइम एटसेट्रा, ये सब आप मेजर कर सकते हैं। इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है नो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे अच्छा हम लिखते कैसे, लेट्स अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो लेट्स अगर मैं लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखूंगा, लेंथ इज इक्वल टू लेट्स से 20 मीटर, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, दिस वन क्यूब क्वांटिटी हो गया, ये हो गया उसका नंबर और ये हो गया उसका यूनिट। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट, ये उसका एक फॉर्मेट होता है कि अगर मुझे कोई भी क्वांटिटी लिखना हो, ठीक है, तो उसमें एक नंबर आना चाहिए, एक यूनिट आना चाहिए, देन तो वो हम प्रॉपर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा एक बात और, सपोज अगर मैं ऐसे लिखूं कि लेट्स अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स अगर मैं बोलता हूं लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, सॉरी जस्ट अ मिनट, 1 मीटर, आप बोलेंगे 1 मीटर क्या होगा, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये है क्वांटिटी, ये नंबर है और ये यूनिट है, ये दूसरा नंबर हो गया और एक दूसरा यूनिट हो गया। तो एक बार बताओ अगर मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोलूंगा तो मीनिंग तो वही है ना, ठीक है, आप मीटर में बोलो या सेंटीमीटर बोलो, मीनिंग इज द सेम, ठीक है, लेकिन आप डिफरेंस क्या दिख रहा है, नंबर चेंज हो जा रहा है और यूनिट भी चेंज हो जा रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं मीटर ले रहा हूं तो उसके साथ नंबर 1 लग रहा है, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर लग रहा है साथ में नंबर क्या लग रहा है, 100। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर यूनिट ग्रेटर होता है तो नंबर स्मॉलर होता है, और यूनिट अगर स्मॉलर होता है तो नंबर ग्रेटर होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब नंबर इंटू यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, नंबर इंटू यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, नंबर यूनिट हमेशा उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट अपॉन यूनिट, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि नहीं, कॉन्स्टेंट अपॉन यूनिट, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इसका मतलब नंबर अगर बड़ा होगा, यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, और यूनिट छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा। ये बात समझ में आया आपको, तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, विद सम नंबर विद प्रॉपर यूनिट, इज क्लियर, दिस इज वन थिंग, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां पर नंबर तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20, 30, 40, 20.5 कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट अबाउट यूनिट, पहले उसकी हम बात करते हैं। हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, मीटर और सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपने सुना होगा इसको हम लोग बोलते हैं मीटर एक्चुअली क्या है, ये एसआई सिस्टम का है, एसआई सिस्टम का है, और ये जो सेंटीमीटर है बेसिकली वो सीजीएस सिस्टम का है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। इसका मतलब बहुत सारे सिस्टम भी होते हैं, अलग अलग सिस्टम की यूनिट्स होती हैं, इज इट क्लियर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रोसीड, तो आप कहेंगे सर और कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जरा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले ये बताओ फिजिकल क्वांटिटी सबको समझ में आया, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीबॉडी, ओके नाउ। अच्छा तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर यूज किया, कुछ और भी होता है क्या, आप बोल सकते हैं सिस्टम यूनिट बहुत सारे होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। बेसिकली अगर हम एसआई सिस्टम को भी इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, अगर हम एसआई सिस्टम को भी इंक्लूड कर ले तो देयर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। जैसे ये अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन हियर, ओके, तो यहां पे हम सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं पुराने वाले, ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहां पे 3 होते हैं, एक होता है सीजीएस
CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. दूसरा होता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड. एक सिस्टम और आया बाद में, दैट इज MKS, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड. तो एक्चुअली ये सिस्टम जानते हो किस पे फोकस था? ये सभी सिस्टम्स में इन्होंने जो बेस यूनिट लिया था वो लिया था लेंथ मास टाइम, दैट इज लेंथ मास और टाइम. इन्होंने बोला कि ये हमारा जो बेस यूनिट है, दीज आर द बेस यूनिट्स. मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी एक जो फंडामेंटल होगा, जो बेस बोलते हैं, वो हमारी तीन रहेंगे, लेंथ मास टाइम. ठीक है, लेंथ मास टाइम. तो लेंथ में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं इट इज सेंटीमीटर. मास में क्या रहेगा, दैट इज ग्राम. टाइम सेकेंड. ठीक है, एफपीएस में भी वही किया गया, दैट इज फुट. पाउंड सेकेंड. एमकेएस में भी वही किया गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड. ओके, तो एक्चुअली जो भी ओल्ड सिस्टम हमारे डेवलप किए गए उसमें हमने एक बात कॉमन रखी. क्या, सपोज फर्स्ट वाला डेवलप किया गया बाय फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच पीपल. ओके, दे डेवलप दिस सीजीएस सिस्टम, आर यू गेटिंग. तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डेवलप किया, फ्रांस ने, कि हम कैसे सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ऑल दीज थिंग्स. तो उन्होंने उसको एक प्रॉपर उसको एक आउटलाइन दिया कि हम लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में रखेंगे, मास को ग्राम में रखेंगे, टाइम को सेकंड में रखेंगे, बाकी सबका क्या होगा. तो बाकी सबका उन्होंने बोला कि देखो मुश्किल है सबको यूनिट देना, तो वी विल कीप अवर फंडा बेस यूनिट्स ओनली दीज थ्री. बाकी सब क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को मिला के बना देंगे, और उससे भी नहीं बन पाया तो उसको कुछ अलग से कुछ नाम दे देंगे, स्पेशल नेम दे देंगे अलग से कुछ. आर गेटिंग माय मीनिंग? तो व्हाट दे डिसाइडेड कि हम सिर्फ लेंथ को सेंटीमीटर देंगे, मास को ग्राम देंगे, टाइम को सेकंड देंगे, और कुछ और बनाना हो तो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को मिक्स करके कुछ बना देंगे, और अगर ये भी नहीं हो पाया तो हम उसको कुछ सेपरेट कुछ अलग से नाम दे देंगे. आर गेटिंग? FPS, FPS started by Britishers, they did the same thing. उन्होंने भी यही सोचा कि क्या करते हैं, हम तीन बेस यूनिट रखते हैं और कुछ अलग से हम लोग नहीं करते हैं, और बाकी सबको कुछ सेपरेट नेम दे देंगे या फिर इसी यूनिट्स को यूज करके उनको एक्सप्रेस कर दें. फिर फ्रांस ने और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड. तो कुछ ट्रिक्स सबका एक था कि हम बेस यूनिट सिर्फ थ्री रखेंगे और किसी को यूनिट नहीं देंगे, बाकी सबकी यूनिट They depends on these three. ये three पे depend करेगा, और we will give some separate name to any other quantity. फिर हम कुछ अलग सा नाम दे देंगे. Is it clear? Compute on this one. Physical quantity copy करो just here. Start it. Copy it properly. Screenshot नहीं लेना है, copy करना है इसको. Just like you are copied in the classroom. जैसे classroom में copy करते हैं. और एक बार कॉपी हो जाएगा तो कोई मुझे बता देगा सर कॉपी हो गया है, तो सो आई विल प्रोसीड. सर एक बार रिपीट करेंगे. विच वन? अच्छा, क्वांटिटी. एक्चुअली हमने स्टार्ट किया ना आज फिजिकल क्वांटिटी. तो आप बोलेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका आंसर है Those quantities which can be measured, जिसको measure किया जा सकता है. आप कहेंगे सर क्या measure किया जा सकता है? Length, mass, time, measure कर सकते हैं हम लोग. Okay? तो मैंने लिख के बताया कि कैसे लिखते हैं. जैसे मैंने लिखा length is equal to 20 meter. तो 20 क्या हो गया, उसका बड़ा number हो गया, n 20 उसका number हो गया, और meter उसका unit हो गया. तो Q मतलब physical quantity. Q मतलब ये quantity से मैंने लिखा, this is Q. तो ये क्यों मैं इधर लेके आया, फिजिकल क्वांटिटी. तो क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट. फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर को यू कैन राइट 100 सेंटीमीटर. इसका मतलब नंबर इनटू यूनिट इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट. 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, मतलब नंबर इनटू यूनिट इज इक्वल नंबर इनटू यूनिट. तो चाहे 1 मीटर बोलो चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो, एक्चुअली बोथ आर द सेम थिंग बेसिकली. तो नंबर इनटू यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. इसका मतलब जो नंबर
और यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, और यूनिट जब छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर इंटू यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तुम किसी भी सिस्टम में ले जाओ, वो चेंज नहीं होता है। वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी उसकी, लेंथ 1 मीटर बोलो, 100 सेंटीमीटर बोलो, या कुछ और बोलो, वैल्यू तो वही रहेगी ना उसकी। कॉपिटन नोट दिस वन, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देन once you complete then inform me, so I will scroll it down. Done, sir. Okay. Then copy it out the system of unit. Now, उसके बाद मालूम है जिस ईयर मिडिल 19th सेंचुरी में ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस, तो ट्रेड स्टार्ट हो गया बिटवीन द ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हो गया, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि वेरियस कंट्रीज, कोई FPS यूज कर रहा है, कोई CGS यूज कर रहा है, कोई MKS यूज कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आने लगा कि ट्रेड कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा। अगर मैं बात करूंगा सेंटीमीटर में, आप बात करोगे मीटर में, तो हम लोग एक ट्रेड कैसे करेंगे एक दूसरे से, इसे क्लियर। ये प्रॉब्लम आने लगा, तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है। उसने रियलाइज किया कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि सब कंट्रीज अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि एक स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा हमारा, तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड SI सिस्टम, ठीक है। तो SI सिस्टम, एक्चुअली ये वर्ड कहां से आया है, SI एक्चुअली ये फ्रेंच है बेसिकली, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनाइट, इंटरनेशनली डी यूनाइट्स, एक्चुअली इस वर्ड से आया है SI, एक्चुअली ये इंग्लिश नहीं है, ये फ्रेंच है। फ्रेंच में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। तो उन्होंने रियलाइज किया, उस बॉडी का नाम था, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, इन 1971। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक नया सिस्टम डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो सारी कंट्री फॉलो करे उसको, ठीक है। तो व्हाट दे डिसाइडेड सी, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये 3 से काम नहीं हो सकता, इसमें करंट नहीं है, इसमें एंगल भी नहीं दिख रहा हमको, तो हम कैसे कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दे इंट्रोड्यूस 7 फंडामेंटल, 7 बेस यूनिट्स, 7 फंडामेंटल मतलब उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स रखे, बेस यूनिट्स, जबकि पहले क्या बनाए थे 3, बट इन्होंने रखे 7 बेस यूनिट्स, ठीक है। और साथ में उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी रखे, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखे, वो एंगल के लिए रखे, ठीक है। तो सी मैं थोड़ा सा समझाता हूं इनके 7 फंडामेंटल्स को, ठीक है। उन्होंने कहा कि पहला भी अच्छा है, जो पहले भी डेवलप किया गया था, दैट इज ऑल्सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीजें हम ले लेते हैं उसमें से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने वही किया कि जो उन्होंने देखा कि सेंटीमीटर भी है,
फुट भी है और मीटर भी है, तो उनको मीटर बेटर लगा, मीटर इज मच बेटर। तो उन्होंने क्या किया, मीटर ले लिया। फिर मास को देखा उन्होंने कि मास के पुराना सिस्टम क्या यूज होता था, ग्राम पाउंड किलोग्राम, तो उनको किलोग्राम ठीक लगा, किलोग्राम इज गुड, ठीक है ना, ज्यादा है ना कम है, ठीक है वो, ठीक है। फिर सेकंड सप्लायर एग्री हो गया, सेकंड इज ऑल्सो गुड, सेकंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हियर, तो व्हाट दे रियलाइज्ड, ये सपोज कर लो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है, तो उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया, 7, जस्ट आई एम व्हाट आई एम सेइंग, 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नाउ यहां पे सेकंड कॉलम में मैं नेम ऑफ यूनिट लिखूंगा और थर्ड में मास का सिंबल लिखूंगा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वन उन्होंने लिया, दैट इज लेंथ, उनको मीटर एक प्रॉपर यूनिट लगी जो कंफर्टेबल है, क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है, तो उन्होंने उसको मीटर रखा। यहां रखना, इट शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर ओनली, सिंबल मालूम है आपको एम। फिर मास लिया इन्होंने, जिससे इसको भी इन्होंने बोले के स्मॉल होता है, डोंट राइट कैपिटल के, कभी भी कोई यूनिट अगर वर्ड्स में लिखोगे ना, इट शुड बी स्टार्ट विद स्मॉल इनिशियल लेटर, स्मॉल इनिशियल लेटर, ओके। तो किलोग्राम, किलोग्राम दैट इज केजी, के स्मॉल होना चाहिए, केजी, ओके। टाइम के लिए सब लोग एग्री हो गए कि सेकंड इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवर भी है, मिनट भी है, बट सेकंड उन्होंने कंफर्टेबल फील किया, सेकंड इज ओके, सेकंड, ठीक है। ये स्मॉल ऐसे कैपिटल एस नहीं होता है, लिखने का तरीका है, प्रिंटिंग ऐसे ही किया जाता है, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? नो। देन फोर्थ वन, उन्होंने करंट को रियलाइज किया कि पहले करंट मैच नहीं कर पा रहा था, करंट को एक्चुअली स्पेशल नेम दिया गया था बाय वॉट, पहले बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि एम्पियर बेटर रहेगा, ठीक है, तो करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे इसको, क्योंकि करंट बहुत से होते हैं, वाटर करंट होता है, लिक्विड करंट होता है, इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं करंट की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट हियर, मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लूइड करंट होता है, ठीक है, हीट करंट होता है, ठीक है। तो लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम है, टेंथ में पढ़ा होगा, एम्पियर, एम्पियर पर्सन का नाम है, तो आप कहेंगे कैपिटल से होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे उसको भी, ए शुड बी स्मॉल नॉट कैपिटल, हाँ, लेकिन एम्पियर पर्सन का नाम है इसलिए सिंबल कैपिटल होता है। अगर किसी पर्सन के नाम पे यूनिट रखते हैं ना, तो उसका सिंबल कैपिटल होगा, जैसे मैं न्यूटन लिख रहा हूं, न्यूटन, तो न्यूटन स्मॉल से रहेगा, हाँ, सिंबल कैपिटल रहेगा, जूल, तो जे स्मॉल रहेगा, फिर ये कैपिटल रहेगा, पास्कल, पास्कल पर्सन का नाम है, अगर दो लेटर है तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का मतलब है किसी पर्सन के नेम पे यूनिट होती है तो वो कैपिटल लेटर से लिखी जाती है, हाँ, लेकिन अगर वर्ड्स में लिखोगे तो ऑलवेज इट शुड बी इन स्मॉल लेटर ओनली, ओके। नाउ देन टेम्परेचर की बात हुआ, अब टेम्परेचर में तो बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स आ गई, टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, उन्होंने केल्विन को लिया, केल्विन, केल्विन एक्चुअली एब्सोल्यूट स्केल होती है, ओके, तो केल्विन पर्सन का नाम है बेसिकली, तो उसको भी फिर कैपिटल के से बोलेंगे, ठीक है ना। एक यूनिट और लिया गया जो अब पहले रखा गया था बहुत पहले से, बट लेटर ऑन उस पूरे चैप्टर को ही इन ऑल द सिलेबस, इंडिया के जितने भी सिलेबस है सबसे रिमूव कर दिया गया, वो चीज लाइट पे था, ठीक है, लाइट का एक छोटा चैप्टर हुआ होता था, फोटोमेट्री करके होता था एक्चुअली, वो उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो दैट इज उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है, जब भी कभी इंटेंसिटी वर्ड होता है ना, ये कभी भी अगर आपको फिजिक्स में इंटेंसिटी वर्ड मिले, समझ जाना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा होता है। तो लाइट की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो यहां पर आएगा दैट इज कैंडेला, सीडी, ठीक है, और एक लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज मोल, एमओ एल यूज करते हैं हम लोग,
क्लियर? तो उन्होंने सेवन फंडामेंटल्स रखे हमारे सामने, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। उन्होंने बोला ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट हो गया कि आप इसी को यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें जहां पे कन्वीनियंट होता है तुम ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम या मीटर, किलोग्राम कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग। ठीक है, अगर आपसे कोई हाइट पूछेगा तो क्या आप उसको मीटर में बताएंगे? क्या आप उसको फिट में बताते हैं मेरी हाइट जो है 5 feet 5 inches है? ठीक है, तो वहां पे तो आप, आपको पूछे आप मीटर में बताओ तो फिर आपको दिक्कत होती है, मैं हाइट मीटर में कैसे बताऊं, प्रॉब्लम होती है। आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वहां पे ग्राम की बात करेंगे, मुझे 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, लाइक दिस पे किलोग्राम की बात कोई नहीं करेगा वहां पर। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब जहां पे जो कन्वीनियंट होगा ना उसको हम यूज कर सकते हैं ना। इज इट क्लियर टाइम से? ओके, अब जैसे तुम्हारे क्लासरूम का टाइम है तो पूछेगा कि एक क्लास कितने टाइम का होता है, तो आप बोलेंगे एक लेक्चर जो है हमारा 1 hour 30 minutes का होता है, वहां सेकंड में थोड़ी ना बताएंगे आप। इज इट क्लियर? जो कन्वीनियंट फील होगा मैं यूज कर सकता हूँ ओल्ड वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर टाइम से? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस उनको रियलाइज हुआ कि एंगल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एंगल को भी इंक्लूड करता हूं। ठीक है, लेकिन याद रखना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, जो आपने 10 में पढ़ा था। ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंगल को भी कंसिडर किया। ठीक है, तो एंगल को भी इन्होंने कंसिडर किया तो वहां पे एक प्रॉब्लम आने लगा, वहां पे भी दो एंगल आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल जो आप अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड डील करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ रिगार्डिंग एंगल, यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ यूनिट और यहां पे लिखूंगा सिंबल। नाउ सी हियर, उन्होंने सबसे पहले लिया दैट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसके लिए आप डिग्री यूज करते हैं 30 डिग्री लाइक दिस पे, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री लाइक दिस पे। प्लेन एंगल जो ज्योमेट्री में आप यूज करते थे, सर्कल में यूज करते थे ना, एंगल इज 30 डिग्री लाइक दैट पे। इसकी यूनिट डिग्री नहीं लिया उन्होंने, इंटरेस्टिंग क्या लिया उन्होंने, रेडियन ले लिया इसकी, और सिंबल आर ए डी होता है। केमिस्ट्री मैथ्स में अलग सिंबल रहता है, फिजिक्स में हमेशा आर ए डी लिखेंगे। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि एक एंगल और होता है, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन यूज किया, ठीक है, दैट इज एस आर। ठीक है, सो व्हाट दे डिसाइडेड कि एंगल हम दो ले लेते हैं, एक सॉलिड एंगल और एक हम लोग ले लेते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, दिस वन कम टू सॉलिड एंगल। पहले हम जरा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझते हैं। डू वन थिंग, जस्ट कॉपी ऑन दिस वन, पहले कॉपी कर लीजिए सिस्टम यूनिट्स। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, मैथ्स वाले सर थोड़े से कुछ मेडिकल रीजन की वजह से 2 दिन छुट्टी पर हैं, तो अभी 2-3 दिन आपके मैथ्स के लेक्चर नहीं होंगे इन प्लेस ऑफ, बिकॉज ऑफ दैट वन, क्योंकि उनका कुछ मेडिकल रीजन के 2 दिन छुट्टी पे हैं। तो इन प्लेस ऑफ दैट वन आपके केमिस्ट्री के लेक्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा 2-3 दिन। ठीक है, 2 दिन बाद वो आएंगे तो मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके।
ओके थैंक यू. मैं प्रोसीड करता हूँ. थोड़ा सा एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि रेडियो ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपने. इससे पहले सिर्फ डिग्री में डील किया होगा ज्योमेट्री जब कर रहे थे मैथ्स में. ठीक है तो एवरीवन कंप्लीटेड कैन स्क्रॉल इट डाउन. यस सर. ओके नाउ कम टू द एंगल पार्ट. फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल. बाकी तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे. प्लेन एंगल, प्लेन एंगल आपको मालूम है आप डिग्री यूज करते थे उसके लिए. ठीक है हम ऐसा जैसे ये ले लेते हैं. दिस वन इजी है. जस्ट अ मिनट. नो दिस इज प्लेन एंगल. लुक हियर. सो हम लोग जैसे सपोज कर लो ये सेंटर है एंड दिस इज रेडियस. तो ये एंगल जो सेक्टर हम बना रहे हैं ये क्या प्लेन एंगल होगा. ये कोई भी एंगल आ सकता है. इसको हम थीटा से डिनोट करते थे. ये आर रेडियस होता था. हमने टेंथ में पढ़ा भी था इसको. इसको क्या बोलते थे आर्क. यू नो ये सब आपने आर्क क्या होता है ये सब आपने देखा हुआ है. आर्क लेंथ लेट से एल ले लेते हैं हम लोग. दिस इज आर्क. ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज इसको हम फिजिक्स में यूज करेंगे. एंगल का फॉर्मूला क्या होता है. एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस दैट इज एल बाय आर. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ एंगल एवरीबॉडी ध्यान देना. ठीक है लेकिन सवाल ये उठता है सर कि हम तो डिग्री यूज करते हैं आप रेडियन बता रहे हो हमको. तो अब हम दोनों यूज करेंगे. 11th 12th में डिग्री भी यूज करते हैं फिजिक्स में रेडियन भी यूज करते हैं. ओके तो कैसे करेंगे सी हम. डिग्री भी यूज करते हैं और रेडियन भी यूज करते हैं. तो दोनों में रिलेशन क्या होता है. रिलेशन ये होता है 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं. पाई मतलब 3.14. 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं. इज इट क्लियर. रिमेंबर सो 180 डिग्री को पाई बोलेंगे तो 1 डिग्री को क्या बोलेंगे फिर. तो देन व्हाट अबाउट 1 डिग्री. तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा दैट इज पाई बाय 180 रेडियन. आप कहेंगे ठीक है सर हम इससे कन्वर्ट कर लेंगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे इसकी वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं. इसको क्या बोल सकते हैं इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती 3.14 ना. तो 3.14 डिवाइडेड बाय 180 57. हाँ नियर अबाउट 57 डिग्री आएगी. नहीं 3 से बेटा 180 डिवाइड करेंगे. नहीं आपने रिवर्स बोल दिया उसको. 57 नहीं आएगी. 3.14 डिवाइडेड बाय 180. ठीक है तो ये नियर अबाउट आता है जैसे 1.7 इंटू 10^-2 रेडियन. हाँ रिवर्स करेंगे तो आ सकता है. जस्ट वेट मैं रिवर्स करता हूं. अगेन फिर से समझा रहा हूं. जैसे अगर मैं बोलूं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई. 180 अपॉन पाई को जब आप करेंगे तो आएगा आपका 57 डिग्री. 180 पाई क्या होता है 3.14. तो नियर अबाउट ये 57 डिग्री कुछ आ जाएगा. एग्जैक्टली नहीं थोड़ा सा और भी आता है मिनट भी आता है उसमें. तो रिमेंबर तो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सी दिस वन. अगर 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन और 1 रेडियन को क्या लिख सकते हैं दैट इज 180 अपॉन पाई. ठीक है ये ध्यान दो. जस्ट ये मैं फिर से समझा रहा हूं. तो 1 डिग्री तुम्हारा इतना रेडियन हुआ था 1 रेडियन इतना डिग्री होता है. बॉक्स में क्या उसको ध्यान दो बस. ठीक है दैट वन. और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डिग्री सबसे छोटा होता है. डिग्री से भी छोटा होता है. आपकी डिग्री छोटा कैसे हो सकता है. 1 डिग्री सबसे छोटा होता है. नहीं डिग्री से छोटा होता है मिनट. आर गेटिंग. अच्छा मैंने बोला था ना मैथ्स में भी लिखते हैं तो मैथ्स में रेडियन को ऐसे लिखते हैं बेटा. एक मिनट मैथ्स में मैथमेटिक्स आप फिजिक्स में नहीं लिखेंगे. मैथ्स में रेडियन को ऐसे लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं ऊपर वो रेडियन हो जाता है. आर गेटिंग इन मैथमेटिक्स. ओके सो हाँ वापस आते हैं. तो मैंने क्या बोला 1 डिग्री कितना होता है 1 डिग्री से भी छोटा मिनट होता है बेटा. तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट. 1 डैश का मतलब होता है मिनट. 1 डैश का मतलब मिनट होता है. डैश इज मिनट. और 1 मिनट कितना होता है
60 सेकेंड्स, तो डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड। आर यू गेटिंग राइम सिंह? तो याद रखना 1 degree इज इक्वल 60 मिनट, और इसको अगर प्रॉपर कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट दैट इज, और 1 मिनट जो 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, जस्ट ये डेटा आपको, तो ये बात हम लोग ध्यान रखना जरा, ठीक है। दिस वन जस्ट वेट, ठीक है ना। तो अब आप करेंगे क्या, कैसे इंटर कन्वर्ट कर, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। अच्छा तो एक बार बताइए अगेन, जस्ट कन्वर्जन बिटवीन, कन्वर्जन बिटवीन, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जस्ट ये वाला यूज करेंगे, दिस वन ईयर, 1 degree इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो 180 डिग्री को तो तुमने पाई बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई रेडियन। मैथ्स में ऐसे लिखते हैं बेटा, पाई ऐसे सी लगाते हैं, मैथ्स में ऐसे लिखते हैं। तो डबल कर दो तो 360 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 pi radian, ठीक है। तो 2 pi 360 डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू, ओके ना। अच्छा मुझे अगर सपोज कर लो कि 60 डिग्री चाहिए, तो 60 डिग्री कैसे लिखेंगे, 60 × π/180, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देन फोर्थ वन, 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 × π/180, तो फिर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से कैंसिल होगा, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, तो 2π/3 रेडियन। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट इट, कुछ भी हो यू कैन कन्वर्ट, ऐसे कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये 3 से कैंसिल करो, 0 0 चला जाएगा, एंड 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5/6 रेडियन। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट, आप किसी भी मतलब वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना 30 डिग्री हो सपोज, तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 × π/180, तो ये 5/6 रेडियन हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन डू इट। तो अच्छा इसका रिवर्स करना हो सपोज हमको, तो फिर मैं ये वाला यूज कर लूंगा, 1 radian is 180/π, मतलब ये पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कन्वर्ट करना है, सपोज कर लो दैट इज 3π/2 radian, तो आप क्या करेंगे, 3π/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे पाई बाय 180 था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π, रिवर्स हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस 90 93 270 डिग्री आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन डू इट। अगर सपोज कर लो पाई बाय 4 है, यू कैन डू लाइक दिस वे, सो पाई बाय 4 इनटू मल्टीप्लाइड बाय 180/π, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, फोर्सेस को कैंसिल करेंगे, दैट इज 45 डिग्री। तो इन दिस वे यू कैन इंटर कन्वर्ट, आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ये बात समझ में आया, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री। 1 degree इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 radian इज इक्वल टू 180/π degree, डिग्री में। गॉट दिस वन, प्लेन एंगल, कॉम्प्रेहेंड दिस प्लेन एंगल फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल व्हाट इज प्लेन एंगल, एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर इन फिजिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलेगा एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो फॉर्मूला एंगल का होता है, आर्क अपॉन रेडियस।
1 मिनट है 60 डिग्री, तो 1 डिग्री 1 मिनट मतलब सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहां करके दिखा देते हैं तुम्हें, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री ना, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा, दिस वन ईयर 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट कितना होगा 1/60 डिग्री, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा लिंक जा रहा है दोबारा ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, क्योंकि लिंक 40 मिनट्स की होती है, तो आप लोग क्या करिए कि लिंक बंद हो जाएगा एक मिनट बाद, तो आप फिर से सेम लिंक ज्वाइन करके आ जाइए एवरीबॉडी, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन।